Hey guys, welcome back to my channel. This is Palak और आज मैं आप सबके साथ अपना तीज का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ. फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं अपनी दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपनी मेहंदी लगाई है, कैसा अपना लुक रखा है, क्या ड्रेस पहनी है और कैसे पूजा की है. तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेहंदी कैसे लगाई है. फ्रेंड्स, ये देखिए कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ खुद ही. वैसे तो चीज में मेहंदी का अपना अलग ही महत्व होता है, इसीलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ. कुछ लोग होते हैं जो मेहंदी मार्केट में जाके लगवाते हैं और कुछ लोग अपने घर में ही लगाते हैं. मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक है और मुझे लगवाना भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं घर में ही मेहंदी लगा रही हूँ. बहुत ही परफेक्ट मेहंदी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है. होप आप सबको पसंद आएगी. कैसे है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. देखिए, मैंने मेहंदी लगा रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं मेहंदी लगाने की. ये मेहंदी पूरी मैंने ही लगाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं. बहुत ही परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत लगाने की. तो फ्रेंड्स, अब मेरी पूरी मेहंदी लग चुकी है और इस मेहंदी को लगाने में मुझे मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि पूरी मैंने फुल हैंड मेहंदी लगाई है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा. मुझे परफेक्ट मेहंदी लगाने नहीं आता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है मेहंदी लगाने में. और ये मेहंदी मैंने किसी डिज़ाइन की हेल्प से लगाई है. आपको ये कैसी लग रही है, मेरा डिज़ाइन कैसा लग रहा है, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, जरूर बताइए. फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ. फ्रेंड्स, ये साड़ी मैंने अपनी अम्मा कलेक्शन अपनी शॉप से ली है, जो एक वुमेन क्लॉथिंग स्टोर है. कि अम्मा कलेक्शन में आपको सभी प्रकार के साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, प्लाजो, गाउन, दुपट्टा आपको मिलेंगे. इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं. इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और अब तीज की कथा कर रही हूँ. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहुँच सकें. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा.